हेलो एवरीवन, जय हिंद। माय नेम इज हमजा हसनी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू योर चैनल टारगेट विद आलोक। मैंने आप लोगों से बात की थी लैंग्वेज क्या है इसके बारे में, और मैंने लैंग्वेज को लेकर के समझाया था, डिस्क्राइब किया था। देखिए, मैं एक बार शॉर्ट में बता दे रहा हूं मैंने क्या बताया था, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में तो आपके पास एक वीडियो पड़ा हुआ है, उसमें अच्छे से मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, तो शॉर्ट में मैं बता देता हूं। मैंने कहा था कि हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश, और इंग्लिश है एक लैंग्वेज, जैसे अदर लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे हिंदी होती है, चाइनीज होती है, जापानीज होती है, संस्कृत होती है, वैसे ही इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है, और ये इंग्लैंड से इसकी ओरिजिन हुई है। ठीक है, तो ये मैंने बताया था, और फिर मैंने बताया था कि कोई भी लैंग्वेज है वो बनती है सेंटेंसेस से। किससे बनती है भाई? सेंटेंसेस से। और कोई भी सेंटेंसेस हैं वो बनते हैं वर्ड्स से, और कोई भी वर्ड्स हैं वो बनते हैं लेटर्स से। तो अगर हमें इंग्लिश सीखना है या कोई भी लैंग्वेज सीखना है, तो हमें सबसे पहले लेटर्स की नॉलेज होनी चाहिए, फिर वर्ड्स की नॉलेज होनी चाहिए, और फिर उन वर्ड्स से बनने वाले सेंटेंसेस की नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम उस लैंग्वेज को सीख सकते हैं। ये मैंने बताया था। जब मैंने बताया था तो मैंने लैंग्वेज को डिफाइन भी किया था, इसके टाइप्स भी बताए थे, सेंटेंसेस को भी डिफाइन किया था। वर्ड्स के लिए मैंने ये बताया था कि लगभग 30 लाख कॉमन यूज के वर्ड्स हैं, कॉमन यूज के, और इन सबको याद नहीं करना है, लेकिन इनकी कैटेगरीज को समझना है, ये भी मैंने बताया था। फिर लेटर्स को लेकर मैंने पढ़ाया था, तो मैंने बताया था कि अल्फाबेट और लेटर का क्या डिफरेंस है, और मैंने बताया था कि ये दो पार्ट्स हैं, वावल कॉन्सोनेंट। फिर मैंने ये भी एक बात बताई थी कि होते तो 26 लेटर्स हैं, लेकिन इनके साउंड्स लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में 44 हैं। वैसे तो अगर आप साउंड्स की बात करेंगे, फोनेटिक्स की बात करेंगे, तो फोनेटिक्स बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे फोनेटिक सिंबल्स होते हैं, क्योंकि कई लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जिनमें कुछ ऐसे एक्स्ट्रा साउंड्स भी होते हैं जो हम कॉमनली यूज नहीं करते हैं। तो हम इंग्लिश लैंग्वेज की अगर बात करें तो इसमें मेनली 44 साउंड्स होते हैं, ये मैंने बताया था। फिर उस वीडियो में मैं कमेंट्स रीड कर रहा था, तो उसमें मुझसे किसी ने कहा है कि सर साउंड्स को थोड़ा और डिटेल में बता दीजिए। अच्छी बात है, हालांकि मैंने खुद ही उस वीडियो में बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में साउंड्स के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करूंगा, और सिर्फ इसलिए करूंगा कि आपके नॉलेज में रहना जरूरी है, क्योंकि अगर आप टीचर बनने जा रहे हैं तो नॉलेज थोड़ा डीप होनी चाहिए, राइट। तो चलिए बढ़ते हैं हम फोनेटिक सिंबल्स की तरफ। देखिए, अगर आप डिक्शनरी देखते हैं, ऑब्वियसली देखते होंगे, देखना चाहिए, तो अगर आप डिक्शनरी देखते हैं तो उसमें आपको ये फोनेटिक सिंबल्स मिलेंगे, और हर एक वर्ड के साथ मिलेंगे, और यही डिसाइड करते हैं, यही आपको पढ़ना सिखाते हैं कि उस वर्ड का क्या प्रोनंसिएशन होगा, ठीक है ना, उसे क्या प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है, तो पढ़ने के लिए तो सिंबल्स होते हैं, बाकी आजकल तो स्मार्टफोन्स चल गए हैं, आप ऑनलाइन डिक्शनरी खोल करके उसमें किसी भी वर्ड को टाइप करेंगे तो आगे स्पीकर का सिंबल बना होता है, उसे टच करके सुन सकते हैं साउंड को, तो वो इजीएस्ट फॉर्म हो गई है, लेकिन नॉलेज के लिए ये पता होना जरूरी है। तो देखिए, मैंने बात की थी कि 24 कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं एंड 20 वावल साउंड होते हैं, ये बात हुई थी। अब इनमें देखते हैं वो कौन से साउंड से उनको कैसे प्रेजेंट करते हैं। देखिए, फर्स्ट फोनीम आपका आता है जिसमें सिंबल बनता है, ये बी का। वैसे तो ये एक लेटर भी है अपने आप में बी, लेकिन यहां हम लेटर की बात नहीं कर रहे हैं, यहां हम साउंड की बात कर रहे हैं, ये साउंड है, साउंड प्रेजेंट करेगा। तो जो बी का साउंड है यानी ब साउंड, ये ब साउंड को प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। और ये बी के लिए भी होता है, डबल बी के लिए भी होता है, जैसे बग में ब का साउंड आ रहा है बग, और बबल में ब और ब का साउंड आ रहा है, तो इन दोनों को प्रेजेंट करेगा कौन सा सिंबल, ये सिंबल। और क्या इसे बोला जाता है? जी हां, इसे बोला जाता है, यानी इसमें वॉइस होती है, ठीक। फिर नेक्स्ट साउंड हमारा कॉन्सोनेंट का आता है, डी की तरह लिखा हुआ है, लेकिन ये ड साउंड को रिप्रेजेंट करता है, और यूजुअली ये डी लेटर के लिए भी आता है, डबल डी के लिए भी आता है, और ईडी के लिए भी आता है। जैसे आपने बोला डैट, तो ड साउंड और ड साउंड, ठीक है, उसका सिंबल है ये, या एड, डबल डी के लिए भी ये ड साउंड, या मिल्ड, तो डी सा ईडी के लिए आ रहा है टोटल डी, और इसको भी वॉइस किया जाता है, यानी आवाज इसकी भी निकलती है, ठीक है।
फिर देखिए यहां पर एफ बना हुआ, ये फ साउंड के लिए आता है, किसके लिए आता है, फ साउंड के लिए। और ये किन किन लेटर्स के लिए यूज होता है, ये सिर्फ एफ के लिए भी यूज होता है, डबल एफ के लिए भी यूज होता है, पीएच के लिए भी कई बार यूज होता है, ठीक है ना। जैसे अभी आप वर्ड्स में आगे देखेंगे, कई बार जीएच के लिए भी यूज होता है, और कई बार ये एल एफ के लिए भी यूज होता है, और कई बार ये एफ टी के लिए भी यूज होता है। यानी इतने सारे लेटर कपल या लेटर के लिए यूज होता है ये फ साउंड, ठीक है। जैसे फैट में फ साउंड आया, क्लिफ में डबल एफ के लिए फ साउंड आया, लेकिन एक ही बार फ है ना, क्लिफ, आप क्लिफ तो बोलते नहीं है, क्लिफ राइट। फिर फॉन में भले लिखा पी एच है, लेकिन साउंड क्या रहा, फ, ये वाला सिंबल प्रेजेंट करेगा इस साउंड को, फ, फॉन, ठीक है। फिर एनफ में जीएच है, लेकिन साउंड क्या आ रहा है, फ, एनफ राइट, तो ये वाला सिंबल है। हाफ में एल एफ है, लेकिन एल साइलेंट हो जाता है, सिर्फ फ साउंड आता है हाफ, ठीक है। फिर ऑफन में क्या है, ऑफन में एफ और टी है, लेकिन टी साइलेंट रहता है, इसलिए ऑफन फ साउंड आता है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है इन सभी साउंड्स को। और क्या इसे वॉइस किया जाता है, यानी इसे स्ट्रेस किया जाता है, जोर से बोल, मतलब कह लीजिए कि बहुत ज्यादा तेज इसकी आवाज आती है, क्लियर समझ में आता है, नहीं, एकदम लाइटली, फैट, क्लिफ, ठीक है। एड तो हल्का सा लास्ट में निकला ना, एड राइट, या बर्ग तो ब, तो इट इज स्ट्रेस्ड साउंड राइट, मतलब इस पर जोर दिया जा रहा है, थोड़ा सा हार्श है, जबकि इसको हार्श नहीं किया जाता, फैट, क्लिफ राइट, नॉर्मल जा रहा है। देखिए डैट तो ड, ड थोड़ा सा टची है ना, थोड़ा सा लगने वाला है, पर ये क्या है, फैट, फ, लगने वाला साउंड नहीं है, ठीक है। तो ये लगने वाला नहीं होगा, उसके आगे लिखा होगा नो, वॉइस्ड नो। फिर देखिए फोर्थ, अब देखिए जी बना हुआ है, लेकिन ये किस साउंड को प्रेजेंट करेगा, ये ग साउंड को प्रेजेंट करेगा। ये किसके किसके लिए आएगा, ये जी के लिए आएगा, डबल जी के लिए आएगा, जीएच के लिए आएगा, जीयू के लिए आएगा, जीयूई के लिए आएगा। एग्जाम्पल से आपके गन, तो ग आ रहा है ना, एग, गोस्ट, ठीक है। तो गोस्ट इसको हम पढ़ते हैं, घोस्ट नहीं पढ़ते हैं, याद रखिएगा, गोस्ट राइट। गेस्ट तो जीयूई पूरे के लिए आ रहा है ग साउंड, गेस्ट राइट। प्रोलॉग जीयूई, वैसे यहां पर ई का साउंड अलग है, इसलिए इसको हम अलग कर लेते हैं, यहां जीयू के लिए आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ई का साउंड ए ऐसे करके आ रहा है, तो गेस्ट, तो जीयू के लिए ग हो गया, और फिर एस्ट, गेस्ट राइट। और यहां क्या है, प्रोलॉग, तो लॉग में सिर्फ जी को प्रोनाउंस कर रहा है, यूई तो साइलेंट है, तो जीयूई पूरे के लिए सिर्फ ये साउंड आ रहा है, तो इसको सिंबल जी से प्रेजेंट करते हैं। फिर एच ह साउंड के लिए प्रेजेंट कर रहा है, तो H के लिए आएगा, WH के लिए आएगा, जैसे होप हु, ठीक है। तो क्या ये लगने वाला साउंड है, नहीं, सिंपल होप हु राइट। जबकि गेस्ट ग, तो ग देखिए आप यहां से निकाल रहे, जोर दे रहे हैं ना, स्ट्रेस्ड है थोड़ा सा। फिर अब ये, अब देखिए अभी तक तो आपको जितने सिंबल्स मिल रहे थे वो आपके कहीं ना कहीं लेटर से मैच करते हुए मिल रहे थे, है ना। अब आपको जो सिंबल मिल रहा है यहां पर DZ, तो अब आपको लगेगा कि ये DZ क्या है, इसका क्या साउंड है, डज, नहीं, ये एक सिंबल है, ये लेटर नहीं है, इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि सिंबल्स हैं ये लेटर्स नहीं है। लेटर तो यहां आ रहे हैं, जो लेटर साउंड निकालेंगे उस साउंड को ये सिंबल प्रेजेंट करेगा। तो ये DZ किस साउंड को प्रेजेंट करता है, ये DZ प्रेजेंट करता है ज साउंड को, जो जे में आता है, जीई में आता है, जी में आता है, डी जी में आता है, डी आई में आता है, या डबल जी में आता है। जैसे जैम, तो जैम को, जैम साउंड को कौन सा सिंबल प्रेजेंट करेगा, ये डीजेड साउंड प्रेजेंट करेगा, ठीक है, जैम, ठीक है। इसी तरह से वेज में जीई आ रहा है, तो यहां जी को ग तो पढ़ा नहीं जा रहा है कि हम जी साउंड ये वाला यूज करें, ये वाला सिंबल तब आएगा जब ग पढ़ा जाएगा, और ये सिंबल तब आएगा जब ज पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो वेज में ज आ रहा है तो ये सिंबल, जिराफ में ज आ रहा है तो ये सिंबल, है ना। एच जीई है पर सिंबल ये रह गया क्योंकि ज साउंड आ रहा है। सोल्जर में देखिए आप क्या है, यहां पे डी आई का साउंड ज है, ये वाला साउंड, ये सिंबल आएगा। एग्जैजरेट में डबल जी आ रहा है, ठीक है, तो साउंड क्या आ रहा है, ज, तो ये सिंबल आएगा इसके लिए, ठीक। इसी तरह से अब देखिए ये के लिखा है, लेकिन आपको लेटर नहीं मानना, ये साउंड है क साउंड, इसे क साउंड कहते हैं, ठीक है। किसके किसके लिए आता है,
के लेटर के लिए भी आता है, सी लेटर के लिए भी आता है, सी एच के लिए भी आता है, डबल सी के लिए भी आता है, एल के लिए भी आता है, क्यू यू के लिए भी आता है, सिर्फ क्यू बाद में यू ऑप्शनल होता है उसके लिए भी आता है, सी के लिए भी, सी के लिए भी आता है और एक्स के लिए भी आता है, ये क साउंड। ठीक, तो ये क साउंड जो आता है इसको देख लीजिए। अब जैसे किट, तो किट जो है क साउंड आ रहा है ना, कैट सी लिखा हुआ क साउंड आ रहा है, क्रिस सी एच का साउंड च भी होता है लेकिन च का सिंबल कुछ और होगा, वो भी आप आगे देखेंगे, ये क का सिंबल है तो जहां पर सी एच को क पढ़ा जाएगा तो आप समझ लीजिए ये सिंबल अप्लाई हो रहा है। एक्सेंट डबल सी है, क साउंड आ रहा है, एक सी के लिए क साउंड आ रहा है, ठीक है, और एक सी के लिए सा आ रहा है, तो यहां पर एक ही को लेकर चलेंगे। ठीक, ओके, फोक एल के लिए क साउंड आ रहा है, बुके ठीक है तो क्यू यू के लिए आपका क साउंड आ रहा है, क्वीन क्यू यू के लिए आपका क साउंड आ रहा है, ठीक, रैक रैक में सी के लिए क साउंड आ रहा है, बॉक्स बॉक्स में आपका क और स दो साउंड, एक ही लेटर दो साउंड प्रेजेंट कर रहा है, तो यहां पर ये अगर हम लेटर देखें तो यहां के सिंबल भी आ रहा है और स साउंड भी आ रहा है, ठीक है, तो ये होता है। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए यहां पर क्या है, अच्छा ये क्या हार्श साउंड है, नहीं, आप देखिए किट कैट क्विस एक्सेंट फोक मतलब लाइट साउंड करता है, ठीक है। फिर यहां पर आते हैं, अब देखिए ल के लिए, ल ल साउंड के लिए एल सिंबल इस तरह का आता है, ठीक है, और ये सिंगल एल और डबल एल दोनों को प्रेजेंट करता है, जैसे लिव ल साउंड और वेल डबल एल के लिए भी ल साउंड, ठीक, तो ये तो सिंपल है क्योंकि एकदम मिलता जुलता है। इसी तरह से ये भी एम एकदम मिलता जुलता है, मा साउंड के लिए आता है, चाहे सिंगल एम हो चाहे डबल एम हो, एम बी हो, एम एन हो, एल एम हो, सबके लिए आता है, जैसे मैन में म साउंड, समर डबल एम में म साउंड, कोम में एम और बी दोनों है लेकिन सिर्फ एम को पढ़ा जाता है कोम, राइट, तो एम बी के लिए एम साउंड, कॉलम में एम और एन दोनों है लेकिन सिर्फ कॉलम पढ़ा जाता है, एन को साउंड नहीं किया जाता है तो एम एन दोनों के लिए, पाम में एल एम है तो सिर्फ एम को साउंड किया जाता है, है ना, तो ये है। फिर एन क्या है, न साउंड का सिंबल है, ये न साउंड का सिंबल है जो किसके किसके लिए आता है, ये आता है आपका एन के लिए, डबल एन के लिए, के एन के लिए, जी एन के लिए, पी एन के लिए, जैसे नेट में है न, फनी में है डबल एन के लिए न, नो में के एन के लिए न आ रहा है, नेट में जी एन के लिए न आ रहा है, जी साइलेंट होता है, और निमोनिक में पी एन के लिए आ रहा है, निमोनिया होता है ना निमोनिक, ठीक, ओके। फिर ये पी जो बना हुआ है ये प साउंड को प्रोड्यूस करता है, सिंगल पी और डबल पी दोनों के लिए आता है, पिन जो पी, राइट। फिर ये आर जो है ये र साउंड को प्रोड्यूस करता है, र डबल, ये डबल सिंगल आर, डबल आर, डब्ल्यू आर और आर एच के लिए आते हैं, जैसे रन सिंगल आर है, कैरेट डबल आर है, रेंच रेंच में क्या है डब्ल्यू और आर है, तब भी सिर्फ रा को पढ़ा जाएगा डब्ल्यू को नहीं पढ़ा जाएगा, राइम आर एच है सिर्फ रा पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो जल्दी जल्दी मैं अब दिखाता जा रहा हूं, जहां थोड़ा सा टफ होगा उसको समझा दूंगा। एस ये जो बना है ये सा साउंड को प्रोड्यूस करता है, स का सिंबल है, सिंगल एस के लिए आता है, डबल एस के लिए आता है, सी के लिए भी आता है, एस सी के लिए भी आता है, पी एस के लिए भी आता है, एस टी के लिए भी आता है, सीई के लिए भी आता है और एस ई के लिए भी आता है, सारे वर्ड्स यहां पर दिए गए हैं, जैसे सिट तो सिट में सिंगल एस के लिए आया, लेस डबल एस के लिए आया, सर्कल में सी के लिए आया, ये वाला सी जो है का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है यहां के लिए के सिंबल होगा लेकिन ये वाला साउंड सा है तो यहां के लिए एस सिंबल होगा, ठीक है। इसी तरह सीन है तो ये दोनों के लिए सिर्फ एक सिंबल आएगा, साइको है तो साइको में भी पी एस पूरा है ना, इसके लिए सिर्फ ये सिंबल आएगा एस यही वाला, ठीक है। लिसन में एस टी के लिए सिर्फ यही सिंबल आएगा, पेस में सीई के लिए सिर्फ ये सिंबल आएगा और कोर्स में एस ई के लिए सिर्फ ये सिंबल आएगा, ठीक। तो ये साउंड को बता रहा है स साउंड। फिर ट साउंड के लिए टी बनाते हैं हम, ये सिंगल टी के लिए यूज होता है, डबल टी के लिए यूज होता है, कई बार टी एच के लिए भी यूज होता है, कई बार ईडी के लिए भी यूज होता है ट साउंड, ठीक। तो कई बार हम नहीं जानते हैं, हम रिप्ड पढ़ देते हैं पर ये रिप्ड होता है, तो कुछ ही वर्ड्स ऐसे मिलेंगे आपको, सभी नहीं होते हैं। तो जैसे टिप की बात किया जाए, टिप तो सिंगल टी के लिए ट साउंड आ रहा है, मैटर तो डबल टी के लिए ट साउंड आ रहा है, ये बहुत से लोग थॉमस पढ़ते हैं, जैसे थॉमस एल्वा एडिसन तो उनका नाम जब पढ़ते तो कहते थॉमस एल्वा एडिसन, नहीं ये थॉमस होता है,
टॉमस ट राइट, और इसी तरह से एक रिवर का नाम है लंदन में बहती है टेम्स, उसको बहुत से लोग थेम्स पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो इसको याद रखिएगा। तो जब आप सिंबल सीख लेंगे तो वर्ड्स के आगे उनके बने हुए सिंबल्स को देखेंगे तो साउंड्स क्लियर हो जाएंगे आपके। फिर रिप्ड होता है, ये रिप्ड नहीं होता है राइट, तो ईडी के लिए भी ट साउंड यहां पर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए ये वी लिखा हुआ है तो ये वो सिंबल को प्रोड्यूस करता है, और ये जो वो सिंबल को प्रोड्यूस करता है ये कई बार आप ऐसे भी वर्ड्स अभी देखेंगे जो आपने कभी शायद नहीं देखा हो, जिसमें आपने कुछ और ही आप पढ़ते आ रहे हो लेकिन आज आपको लगेगा कि नहीं ये तो बिल्कुल अलग बात सर ने बता दी, और फिर आप जरूर खोजने जरूर जाएंगे, और खोजने जाइए, मैं तो चाहता हूं कि आप यहां मुझसे जो पढ़िए उसकी रियलिटी को देखने जाइए और उसको देखिए समझिए अच्छे से, अपनी नॉलेज को शार्पन करिए। तो ये जो व साउंड है, व साउंड ये वी के लिए तो आते ही आता है, कई बार एफ के लिए भी आता है, कई बार पीएच के लिए भी आता है, और कई बार वीई के लिए भी आता है। जैसे कि आप देखेंगे कि व साउंड वाइन में आ रहा है, ठीक, वाइन में आ रहा है व साउंड, और यही व साउंड ओ एफ के लिए आता है, ये जो एफ लिखा हुआ है इसको यहां व पढ़ा जाता है। ये बात शायद पहले किसी ने नहीं बताई होगी, आप अभी तक ऑफ पढ़ते आ रहे होंगे इसे, लेकिन इसे पढ़ा जाता है ऑव, व ऑव राइट, और ओ डबल एफ जो होता है सॉरी ओ डबल एफ जो होता है उसे आप ऑफ पढ़ते हैं, तो ओ एफ को क्या पढ़ेंगे ऑव, और ओ डबल एफ को पढ़ेंगे ऑफ। तो यहां एफ के लिए क्या साउंड आ रहा है, व साउंड, ये सिंबल आएगा ऑव। फिर स्टीफन बहुत से लोग पढ़ते हैं तो इसको स्टीफन नहीं पढ़ा जाता, इसको स्टीवन पढ़ा जाता है, वी साउंड आता है, तो ये भी एक नई सी चीज है, स्टीवन नाम होता है ये, बहुत से लोग स्टीफन कहते हैं, इट्स स्टीवन राइट। और इसी तरह से वीई तो यहां पर सिंपल है, फाइव जब आपने पढ़ा फाइव तो वीई के लिए भी वा साउंड आया, ठीक। लेकिन आपके लिए नया ये था कि इसको ऑफ पढ़ेंगे एफ होने के बावजूद इसका साउंड वी होगा, और यहां पीएच होने के बावजूद इसका साउंड वी होगा, ठीक है, आई होप क्लियर है। फिर डब्ल्यू और वी का साउंड का मैंने डिफरेंस बताया था, तभी साउंड की बात आई थी, मैंने बताया था कि वी को जब प्रोनाउंस करते हैं, ये वाले सिंबल को जब प्रोनाउंस करते हैं तो आपका नीचे वाला जो दांत है वो ऊपर वाले होठ को अंदर से छूता है, जैसे विक्ट्री, वाइन, वास, वैन राइट। जब इस वाले सिंबल को आप पढ़ते हैं जो कि स्पेशली W के लिए आता है या O के लिए आता है या कई बार U में भी पाया जाता है या कई बार WH में भी पाया जाता है, तो इस सिंबल को जब आप पढ़ते हैं प्रोनाउंस करते हैं तो आपके दांत को, आपके होठों को नहीं छूना चाहिए बल्कि आपके माउथ को गोल हो जाना चाहिए, जैसे कि व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई। तो ये चीज यहां लिखी नहीं है, और अगर आप सिर्फ ऐसे ही पढ़ते तो शायद ये चीज पता भी नहीं चलती, तो यू मस्ट हैव समवन हु कैन एक्सप्लेन इट वेल राइट, तो तभी आप समझ पाएंगे। तो अभी जैसे इन दोनों का डिफरेंस मैंने एक्सप्लेन किया कि वी करेंगे तो नीचे वाला दांत ऊपर छूना चाहिए, डब्ल्यू है तो माउथ को गोल हो जाना चाहिए, वाई, व्हेन, वेयर, ठीक है, वन, ठीक। अब देखिए यहां पर क्या आ रहा है, ये वाला साउंड आएगा, जैसे विट, तो इसको कैसे पढ़ेंगे आप, ऐसे पढ़ेंगे विट, माउथ को गोल करके विट, इसको विट ऐसे नहीं पढ़ेंगे, वी वाले स्टाइल में नहीं पढ़ेंगे, या वाई, ठीक है, या क्विक, तो ये यू आई जरूर है लेकिन साउंड इसमें यही वाला आ रहा है, वा वाला, क्विक, क्विक नहीं कहेंगे, क्विक, क्विक। देखिए ध्यान दीजिए मेरे दोनों, सही साउंड क्या है क्विक, और गलत साउंड क्या है क्विक, सही साउंड क्विक, गलत साउंड क्विक, 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 क्विक। बहुत माइनर सा रेफरेंस है ना, तो ध्यान दीजिएगा। तो ये है, इसी तरह से सही साउंड क्या है क्वेर, क्वेर, और गलत साउंड क्वेर, 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 क्वेर। तो वा, वा, ऐसे वा हल्का सा आना चाहिए तभी सही साउंड आएगा, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर है। अब ये जेड की तरह जो बना है ये ज़ साउंड का सिंबल है, जैसे कि आप सिंगल जेड के लिए भी कहते हैं, डबल जेड के लिए भी कहते हैं, कई बार एस के लिए भी कहते हैं, कई बार डबल एस के लिए भी कहते हैं, कई बार एक्स के लिए भी कहते हैं, कई बार जेडी, जेडी तो है ही है,
कई बार एससी के लिए भी कहते हैं। जैसे आपने कहा जेड तो ज साउंड आया ना, बर्ज डबल जेड के लिए ज साउंड आया। हिज भले ही एस लिखा है लेकिन हम इसे हिस नहीं पढ़ते हैं, हम इसे हिज पढ़ते हैं, ज साउंड आता है। फिर सिजर्स डबल एस लिखा हुआ है ना लेकिन हम सिसर्स नहीं कहते, सिजर्स कहते हैं, ज साउंड, ठीक है। फिर इसी तरह से ये जो है ना इसको हम कहते हैं ज़ाइलोफोन, इसको हम एक्साइलोफोन नहीं कहते, बहुत से लोग कह देते हैं एक्साइलोफोन पर इट्स नॉट एक्साइलो इट्स ज़ाइलोफोन, तो ये ज होता है। इसी तरह से क्रीज तो जेड ई के लिए ज साउंड है, ठीक। तो ये जेड जो है ज साउंड को प्रेजेंट करता है। फिर अब ये कौन सा सिंबल है जो थ्री की तरह है या स्मॉल जेड की तरह है, इसको समझिए क्योंकि ये सबसे टफ कॉन्सोनेंट साउंड होता है। बहुत टफ कॉन्सोनेंट साउंड इसलिए होता है कि बहुत से लोग इसको बिल्कुल क्लियरली प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं और ये कई बार एस लेटर के लिए आता है, कई बार एस ई लेटर के लिए आता है, कई बार जेड लेटर के लिए आता है। यूजुअली एस के बाद यू जब लगा होता है तब इस साउंड को हम लेते हैं, यूजुअली एस के बाद जब यू लगा होता है ना। तो इस तरह के कौन कौन से वर्ड्स हैं, इनको पहले पढ़ा कैसे जाता है ये समझिए। तो इसको हम ट्रेजर नहीं पढ़ते हैं, ट्रेजर नहीं पढ़ते हैं और ट्रेसर भी नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। इसको हम क्या पढ़ते हैं, ट्रेजर। साउंड देखिए एकदम अलग से लगा ना, ट्रेजर। तो हल्का सा सीटी मारता हुआ जो साउंड आता है, ठीक है, तो ट्रेजर है ना। तो ये मैं सिर्फ बोलकर ही आपको बता सकता हूं कैसा साउंड है, ठीक है। तो ट्रेजर 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 और इस तरह के और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, मेजर ट्रेजर मेजर, विजन टेलीविजन, ठीक है ना, एस और उसके बाद आई आ रहा है, विजन टेलीविजन ट्रेजर मेजर, राइट। ऐसे इसे प्रोड्यूस किया जाता है, तो ये क्वाइट टफ साउंड है, बहुत जल्दी से आपके पास जिनको आता है बोलना वो तो जल्दी से कर लेंगे, बहुत से लोगों की जबान साफ होती है, टंग उनकी मतलब अच्छा वर्क करती है तो वो भी बोल लेते हैं, पर बहुत से लोगों को काफी टाइम लगता है सीखने में, मेहनत करनी पड़ती है, राइट। तो ट्रेजर, राइट। फिर है डिविजन, तो इसको डिविजन नहीं पढ़ते हैं या डिविजन नहीं पढ़ते हैं, इसे क्या पढ़ते हैं, डिविजन, राइट। फिर अजोर, अजोर नहीं पढ़ेंगे, अजोर, राइट। तो ये साउंड ऐसा होता है, ठीक। ये सिंबल जो है वो इस साउंड के लिए होता है, ट्रेजर मेजर प्लेजर डिविजन अजोर टेलीविजन विजन, राइट, ऐसे होता है। आगे बढ़ते हैं, अब ये देखिए टी और ये इस तरह का साउंड सिंबल जो है ये किसके लिए होता है, ये च साउंड के लिए होता है, च साउंड के लिए, ठीक है। तो च साउंड के लिए होता है तो किस 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 लेटर के लिए होता है, सी एच के लिए होता है, टी सी एच के लिए होता है, टी यू के लिए होता है, टी आई के लिए होता है, टी ई के लिए होता है। जैसे चिप, चिप में च आ गया, सी एच के लिए आ गया, वॉच में टी सी एच पूरे के लिए आ गया, वॉच, फ्यूचर में टी यू के लिए, टी यू के लिए आ गया फ्यूचर, राइट, और एक्शन में ये वर्ड यहां पर गलत है, ठीक है, इसको हटा दीजिए, ये च साउंड नहीं है, श साउंड है। फिर राइशियस यहां पर भी च साउंड आ गया, ठीक। तो ये च के लिए होता है, ये एक्शन वाला नीचे आना चाहिए वर्ड, हो जाता है कभी कभी समटाइम्स। ओके, अब यहां पर श साउंड के लिए ये सिंबल है, देखिए चा के लिए टी और ये सिंबल है और शा के लिए सिर्फ ये सिंबल है, ठीक है। जैसे अब श के लिए देखिए एस एच है, इस लेटर के लिए आ सकता है, सी के लिए आ सकता है, एस के लिए आ सकता है, सी आई के लिए, एस आई के लिए, सी एच के लिए, सी एस आई के लिए, टी आई के लिए, ठीक है। जैसे शेम ई होना चाहिए यहां पर, ओशन तो सी ई के लिए आप देखिए श आ रहा है, श्योर ठीक है तो एस के लिए आ रहा है, स्पेशल सी आई के लिए आ रहा है, पेंशन एस आई के लिए आ रहा है, मशीन, अब यहां सी एच भले ही लिखा है लेकिन इसको श पढ़ेंगे, चा नहीं पढ़ेंगे, राइट। या ऐसे एक वर्ड है पैराशूट, तो उसमें भी सी एच आता है लेकिन उसको श पढ़ते हैं, च नहीं पढ़ते, ठीक है। फिर कॉन्शंस, तो कॉन्शंस में सी एस आई पूरे के लिए श साउंड आ रहा है। अच्छा, बहुत से लोग उसे कंसाइंस पढ़ते हैं, दैट इज 100% रॉन्ग। होता क्या, उनको लगता है सी एस आई ई एन सी ई तो साइंस है और उसके पहले कौन लिखा हुआ, तो कॉन्साइंस पढ़ दें, या बहुत से लोग थोड़ा और मॉडिफाई करते तो कंसाइंस पढ़ देते, पर इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है,
कॉन्शंस, कॉन्शंस तो सी एस आई के लिए श आता है, ठीक, श साउंड प्रोड्यूस होता है। फ्रिस्टेशन तो टी आर के लिए श साउंड आ रहा है, ठीक है, तो आई होप ये क्लियर है। फिर नेक्स्ट सिंबल ये होता है थीटा, जैसे आपका बना हुआ है, तो ये सिंबल जो होता है ओ के बीच में कट, तो ये थ साउंड को प्रेजेंट करता है और ये सिर्फ टीएच लेटर के लिए ही होता है, जैसे थोंग, ठीक है, थाईलैंड, थोंग थाईलैंड थाई, राइट, उसके लिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सिंबल हमारा ये उल्टा मतलब डी टाइप का बना के कट जो लगा होता है, ये द साउंड होता है। देखिए ये था साउंड होता है, थाईलैंड थोंग्स या थाई, और ये द साउंड होता है ना, तो एक तो ड साउंड होता है उसके लिए डी बना होता है, और ये द साउंड होता है जिसके लिए ऐसे डी करके कट होता है, तो द साउंड, तो द साउंड टीएच लेटर से ही आता है और किसी लेटर से नहीं आता, ठीक है, इंग्लिश में नहीं आता, हिंदी में हम भले ही लिख देते हैं, अगर हिंदी को हम इंग्लिश लेटर से लिखते हैं, जैसे दिन लिखना है और हमने लिख दिया डी आई एन, तो उसमें हम डी को द पढ़ लेते हैं, पर इंग्लिश में ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब जैसे लेदर है, तो लेदर में टीएच के लिए आ रहा है ना, या टी एच ई द, उसके लिए भी यही सिंबल होता है, राइट, या क्या बोल सकते हैं हम, टी एच वाले बहुत से इस तरह के होते हैं, है ना, दाई दाऊ, राइट। अगे फिर ये जो एन बना के ऐसे नीचे सोर टाइप की निकाल दी गई है, ये किसके लिए होता है साउंड, ये साउंड एन और जी का साउंड होता है, अंग जिसे हम कहते हैं, अंग टाइप का, अंग क इस तरह का साउंड होता है, तो एन जी के लिए आता है, एन के लिए आता है, एन जी यू के लिए आता है, ठीक है। जैसे रिंग, पिंक, पिंक में का तो है लेकिन अंग भी है, पिंक, टंग, ठीक है, तो इसके लिए ये साउंड आता है, जी यू पूरे के लिए टंग होगा। फिर ये जो जे बना हुआ है, ये वाला जे, अच्छा इससे पहले आपने ज का जो साउंड देखा था, कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए मैं पीछे ले जा रहा हूं, मैं पीछे जो ले जा रहा हूं, क्यों ले जा रहा हूं, कि जब आपने ज का साउंड देखा था तो उसका सिंपल सिंबल क्या था, डी जेड, ठीक, तो ये ज साउंड निकाल रहा था, जैम, वेज, जिराफ, एज, सोल्जर, जैम, है ना। फिर अब जब ज साउंड आया, मतलब जा साउंड के लिए तो डी जेड सिंबल था, लेकिन ये जो जे सिंबल है ये जा के लिए नहीं है, ये य के लिए सिंबल होता है, य के लिए, ठीक, ये य के लिए सिंबल होता है, वाई के लिए आता है, आई के लिए आता है, और कई बार जे के लिए भी आता है, ठीक। कैसे प्रोनाउंस करते हैं, यू, तो यू जब बोला तो य के लिए है ना, यू, अनियन, तो अनी अनी यन बोलते हैं ना, य आता है वहां पे, अनियन, तो यहां पे ये जो अनी नहीं करते इसे अनयन बोलते हैं, तो यहां आय भले ही लगा है पर इसका साउंड य का आता है, तो ये सिंबल आएगा इसके लिए, अनयन ऐसे बोलते हैं, अनियन, तो आप अनी अन नहीं कहते उसे, अनियन कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से वर्ड है हैलेलुया, तो ये हैलेलुया, ठीक है, हैलेलुया कहते हैं इसे, हैलेलुया नहीं कहते हैं, हैलेलुया, राइट, तो भले ही जे लिखा हुआ है पर पढ़ा क्या जाता है, य, हैलेलुया, राइट, ये है। तो आई होप क्लियर होगा। तो ये तो मैंने बात किया आपकी अभी तक कॉन्सोनेंट साउंड सिंबल्स की, अब बात करते हैं वावल साउंड सिंबल्स की, और वावल में हम डिप्थोंग की भी बात करेंगे। डिप्थोंग क्या होता है, जो एक साथ दो वावल साउंड्स होते हैं उन्हें डिप्थोंग कहते हैं, तो वावल्स में ही डिप्थोंग भी आ जाता है, तो सिंगल होगा तो उसको डिप्थोंग नहीं कहेंगे, डबल वावल साउंड एक साथ होगा तो डिप्थोंग कह देंगे, तो अलग से बहुत जानने की जरूरत नहीं होती, वावल में ही आता है। तो अभी हमने 24 कॉन्सोनेंट देख लिया, अब उसके आगे के सिंबल्स हम काउंट कर रहे हैं 25 से, तो वावल में 20 अब हम देखेंगे कौन कौन से हैं। तो देखिए एक है कि ए में ही ई जुड़ा हुआ लगा है, तो ये साउंड किस में आता है, ए में आता है, ए ई में आता है और ए यू में आता है, ठीक है। तो कैसे, कैट, तो कैट ऐसे बोलते हैं हम, प्लेट, लाफ, ठीक है, तो ये इस तरह के साउंड ए ई से प्रोड्यूस होते हैं। फिर ई आई, ये ए के लिए भी आता है, ए आई के लिए भी आता है, ई आई जी एच के लिए भी आता है, ए आई जी एच के लिए भी आता है, ए वाई के लिए भी आता है, ई आर के लिए भी आता है, ई टी के लिए भी आता है, ई आई के लिए भी आता है,
एयू के लिए भी आता है, ए और ई के लिए भी आता है, ई ए के लिए भी आता है और ई वाई के लिए भी आता है, इतने सारे के लिए ये सिंबल आता है। जैसे आप कैसे बोलते हैं बे बे मेट, है ना, जो ए ज्यादा खिंच के ऐसे आ रहा है, ठीक है, वेट स्ट्रेट पे फोयर, ठीक है, ए ऐसे है ना, ए ऐसे साउंड आता है, फाइलेट, सॉरी एक मिनट, फाइलेट ये जो है ए, एट, फिर क्या है गॉच मेट, एक मिनट सॉरी गॉज नहीं गेज, इसे गेज पढ़ा जाता है, गॉज नहीं पढ़ा जाता, गेज, फिर मेट ब्रेक डे, तो ए साउंड जो आ रहा है उसके लिए सिंबल होता है ए, फिर ई साउंड, ई सिंबल वाला ये जो साउंड है, ठीक है, ये किसके लिए आता है, ये ई लेटर के लिए भी आता है, ई ए के लिए भी आता है, यू के लिए भी आता है, ई आई के लिए भी आता है, ए आई के लिए भी आता है, ए के लिए भी आता है, ई ओ के लिए भी आता है, ई आई के लिए भी आता है और ए आई ए के लिए भी आता है, ठीक है। जैसे ये हल्का, ये खिंचता नहीं है, ऊपर वाला साउंड जो खिंचता है ना ब्रेक ऐसे करके या दे खिंचता है, पर ये नहीं खिंचता, ये कैसे होता है एंड ब्रेड बरी, ठीक है, एंड ब्रेड बरी फ्रेंड सेट मैनी लेपर्ड हाइफो फो ऐसे है ना हाइफो, ठीक है, फिर एस्थेटिक, ठीक है ना, तो इस तरह से आता है एस्थेटिक, आप एस्थेटिक नहीं कहते, तो ये हल्का सा खिंच, मतलब खिंचता नहीं है, बस हल्के से ए का साउंड आता है। फिर आई के आगे जो दो डॉट होता है ये किस लिए होता है, ये जब ई साउंड खिंचता है उसके लिए होता है, बड़ी ई का साउंड ऐसे समझ लीजिए। और ये इन लेटर्स में आता है, सिंगल ई में भी आता है, कई बार डबल ई में भी आता है, ई ए में भी आता है, वाई में भी आता है, ई वाई में भी आता है, ओ ई में भी आता है, आई ई में भी आता है, सिर्फ आई में भी आता है, आई ई में, ई आई में भी आता है, ई ओ में भी आता है और ए वाई में भी आता है, ठीक है। तो जैसे बी, तो बी में बड़ी ई वाला साउंड है ना, खींच रहा है, या डबल ई लगा तो भी बी, है ना, ऐसा हम नहीं करते कि इसको बी पढ़े और उसको बी पढ़े, वो बी और बी दोनों एक ही जैसा होता है। फिर मीट है तो ई ए के लिए वही साउंड आ रहा है, लेडी है तो वाई के लिए वही साउंड आ रहा है ना, यहाँ इसके लिए, यहाँ इसके लिए, यहाँ इसके लिए, यहाँ वाई के लिए, की है तो ई वाई के लिए भी वही साउंड है। फीनिक्स, इसे बहुत से लोग फोनिक्स कहते हैं, फोनिक्स नहीं, ये फीनिक्स होता है, तो फीनिक्स में ओ ई के लिए डबल ई साउंड, मतलब बड़ी ई वाला साउंड आता है जिसका सिंबल ये है, ठीक है। और ऐसे एक वर्ड होता है ओनोमैटोपिया, तो ओनोमैटोपिया में पी ओ होता है, पी ओ ई, तो उसको पोइया बहुत से लोग कह देते हैं, पर पोइया नहीं होता, वो पिया होता है, तो ओ ई का साउंड खिंचता हुआ ई, यानी बड़ी ई वाला। इसी तरह से ग्रीफ में आ ई के लिए है, स्की में सिर्फ ई के लिए है, और दिस इज डिसीव में आई ई के लिए है, पीपल में ई ओ के लिए है, और गी में ए वाई के लिए है, ठीक, सॉरी क्यू में। तो ये आपको ध्यान देना है कि कहां क्या साउंड है, सिंबल आपको मैं सिर्फ बता रहा हूं, हालांकि ये बहुत ज्यादा पूछी जाने वाली चीज नहीं है, पर क्योंकि स्टूडेंट्स ने डिमांड किया था कि इसको थोड़ा सा डेप्थ में बता दिए तो मैं बता रहा हूं, लेकिन ये एक लेक्चर ऐसा है जो आपकी लाइफ में कम से कम सिंबल्स को तो क्लियर कर देगा। फिर ये आई की तरह छोटा सा बना रहता है, कैपिटल आई छोटा सा, ये क्या सिंबल देता है, ये छोटी ई का साउंड प्रोड्यूस करता है, बड़ी ई के साउंड के लिए आई आगे दो डॉट्स, इसको एक्चुअली दिखाया तो कोलन कहा जाता है, ठीक है, तो आई प्लस कोलन है तो डबल बड़ी ई का साउंड, और सिर्फ आई है छोटा, कैपिटल में लिखा है लेकिन छोटा सा लिखा है, तो ये छोटी ई का साउंड है। तो ये आई के लिए भी आता है, ई के लिए भी आता है, ओ के लिए भी आता है, यू के लिए भी आता है, यू आई के लिए भी आता है, वाई के लिए भी आता है और आई ई के लिए भी आता है। जैसे इट, जैसे इंग्लैंड, तो इंग्लैंड में ई लिखा है लेकिन ई छोटा ई पढ़ा जाता है। विमेन, विमेन में ओ के लिए ये छोटा ई होता है। अच्छा, बहुत से लोग इसे वुमेन पढ़ते हैं, तो आपको बता दूं जो सिंगुलर होता है उसको वुमन पढ़ा जाता है, डब्ल्यू ओ एम ए एन होता है तो वुमन पढ़ा जाता है, लेकिन जब डब्ल्यू ओ एम ई एन होता है, सॉरी ई एन होता है, तो विमेन पढ़ा जाता है। तो यहां ओ का साउंड छोटी ई वाला होता है जिसका सिंबल ये होगा। फिर बिजी है, तो बिजी में भले ही यू है लेकिन यू का साउंड छोटी ई का होता है, तो ये सिंबल है। फिर गिल्ड में भले ही यू आई है लेकिन पूरे का साउंड छोटी ई होता है, तो ये सिंबल है। जिम में वाई है, साउंड छोटी ई का होता है, तो ये सिंबल है। सीव में
शिव में आई है लेकिन साउंड छोटी का होता है, शिव, शिव नहीं पढ़ते शिव, तो इसलिए सिंबल ये है। ठीक, फिर देखिए ए आय का जो सिंबल है ये किसके लिए होता है, ये आय सिंबल जो हम आय लेटर पढ़ते हैं, आय साउंड, उसके लिए होता है। ये एक तरह से वावल में डिप्थोंग होता है। डिप्थोंग क्यों होता है, क्योंकि ये डबल साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे फर्स्ट वाला जो हमने पढ़ा था वो भी डिप्थोंग था, ये फर्स्ट वाला, फर्स्ट और सेकेंड, ये दोनों भी डिप्थोंग है क्योंकि डबल वावल साउंड को ला रहे हैं ना, तो वैसे ये भी डिप्थोंग है, लेकिन काउंट तो वावल में ही होगा। तो ये आय साउंड के लिए आता है। ठीक है, तो इस कौन कौन से लेटर के लिए आता है, आई वाई आई जी एच आई यू वाई वाई ए आई आई एस ई आई जी एच या आई ई के लिए। जैसे स्पाइडर तो आई के लिए आ रहा है ना, स्काई वाई के लिए आ रहा है, नाइट तो नाइट में आई जी एच पूरे के लिए आई आ रहा है, पाई आई और ई के लिए आ रहा है, गाय यू वाई के लिए आ रहा है, स्टाई वाई ई के लिए आ रहा है। फिर उसके बाद आयल, आयल क्या होता है, आयल किसी को पता है क्या होता है, चलिए मैं ही बता देता हूं। ठीक है, आयल होता है जो कई, मान लीजिए कि अलमीरा है, जैसे लाइब्रेरी में कई अलमीरा लगी होती है तो उसके बीच में जो रास्ता होता है निकलने का, दैट इज कॉल्ड आयल। ठीक, फिर इसी तरह से आयलैंड, तो आयलैंड में आई एस के लिए वही साउंड है। फिर हाइट, तो हाइट में आई ई जी एच पूरे के लिए वही साउंड है, आई। ठीक है, काइट में आई के लिए वही साउंड है। ठीक है, तो सिंबल आपको इस तरह से देखना होता है। आई होप क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। फिर ये उल्टा ए जो बना है ये किसका साउंड होता है, ये किसका साउंड होता है भैया, ये हल्के से जो आ, आप ऐसे समझ लीजिए हल्के से आ का साउंड होता है। ठीक है, एक तो ए साउंड होता है, एक आ साउंड होता है। ठीक, तो वो साउंड यहां पर आता है। तो ये ए के लिए भी है, एच ओ के लिए भी है, ए यू के लिए भी, ए डब्ल्यू के लिए भी, और ओ यू जी एच के लिए भी है। ठीक, जैसे स्वान, हल्का सा आ और ओ हल्का सा मैच करता हुआ होता है, स्वान। ठीक है, ऑनेस्ट, ओ, ऐसे ओ वाला होता है ना, आ में जो हल्का सा ओ, मतलब ये वाला ओ, ओ ओ वाला नहीं होता है ये। ऐसे अगर हिंदी में मैं लिखूं तो अगर मैं ऐसा कुछ लिखता हूं तो ये साउंड होता है ये। ठीक है, अब शायद ज्यादा क्लियर हो। तो एक तो होता है ओ, वो अलग हो गया, ये ओ होता है, ओ। तो जैसे स्वान, ऑनेस्ट, मॉल, स्लो, फॉट, है ना, ये साउंड होता है। ठीक, ओ का साउंड। फिर ओ और ये मटके के जैसा जो सिंबल बना है ये किस लिए होता है, ये ओ साउंड होता है, ओ ओ वाला, हमने पढ़ा ना, ओ से ओखली, ओ से औरत, तो ओ से औरत वाला साउंड ये होता है। जैसे, और ये किसके किसके लिए आता है, ये सिर्फ ओ के लिए भी आता है, ओ ए के लिए भी आता है, ओ और आगे ई आता है उसके लिए भी आता है, ओ ई के लिए भी आता है, ओ डब्ल्यू के लिए भी आता है, ओ यू जी एच के लिए भी आता है, ई ए यू के लिए भी आता है, डबल ओ के लिए भी आता है कई बार, और ई डब्ल्यू के लिए भी आता है। ठीक है, तो कैसे आता है, जैसे ओपन, ओपन, मोट, तो ओपन में, गिव मी अ मोमेंट, ओपन में सिर्फ ओ के लिए आया। ठीक, माउथ में ओ ए के लिए आया, बाउन में ओ और आगे फिर ई है, तो ई तो साइलेंट होता है तो इसको ही सिर्फ कंसिडर करेंगे। टो में ओ ई के लिए आया, सो में ओ डब्ल्यू के लिए आया, डो में ओ जी एच के लिए आया, डो। ठीक है, बो में, बो में, नहीं सॉरी, बो, इसको बो पढ़ा जाता है, ई का साउंड नहीं है, तो बो में ई ई ए यू के लिए आया, ब्रोश में डबल ओ के लिए आया, इसको ब्रूच नहीं पढ़ा जाता, इसको ब्रूश नहीं पढ़ा जाता, इसको ब्रोश पढ़ा जाता है, ब्रोश। ठीक है, औ के लिए आता है, फिर सव में ई डब्ल्यू के लिए आता है, सव, तो औ साउंड। ठीक, फिर ये खाली अगर उल्टा, मतलब ओ और मटका टाइप का है तो ये, और सिर्फ मटके टाइप का है तो क्या साउंड आता है, तो ये ऊ का साउंड आता है, छोटा ऊ का। ठीक है, अभी आपने क्या देखा, ये क्या साउंड दे रहा था, ये साउंड औ का दे रहा था, ये ऊ का साउंड देता है, और ऊ का साउंड कई बार सिंगल ओ में भी आता है, डबल ओ में तो आता ही है, कई बार यू में भी आता है और ओ यू में भी आता है। जैसे वुल्फ, इसको वॉल्फ नहीं पढ़ते, इसको वुल्फ पढ़ते हैं, तो ऊ का साउंड सिंबल ये बनेगा। लुक, लूक तो पढ़ते नहीं है, लुक पढ़ते हैं, तो ये सिंबल है। बुश, तो यू के लिए यही सिंबल है। वुड, ओ यू के लिए यही सिंबल है। ठीक,
फिर आपका ये एक ही तरह सा सिंबल है लेकिन बीच में लाइन नहीं खींची होती है, ये किसके लिए होता है? ये एकदम हल्का सा जो आ साउंड आता है, तो ये वाला तो अ करके साउंड आता है तब आता है, और ये वाला हल्का सा जो अ साउंड आता है उसके लिए होता है। जैसे कई बार ये यू में भी आता है, ओ में भी आता है, डबल ओ में भी आता है, ओ यू में भी आता है। जैसे लग, तो एकदम हल्का सा छोटा आ का साउंड जिसे हम कहते हैं, ठीक, लग, तो यहां छोटा आ का साउंड है ना। मंकी में ओ के बाद छोटा का, ओ का जो साउंड है छोटा आ वाला है, ठीक है। ब्लड में डबल ओ के लिए छोटा आ का साउंड है, डबल में ओ यू के लिए छोटा आ का साउंड है, राइट। तो ये सिंबल है। चलिए 10 और बच्चे हैं, जल्दी जल्दी बता देता हूं। समझाना इसलिए जरूरी कि लाइफ में कम से कम एक बार तो ये आप पढ़ दीजिए, क्योंकि लोग पढ़ाते नहीं है, ये बहुत रेयर है कि लोग पढ़ाएं, ठीक है। अब देखिए फिर अब देखिए ये सिंबल आपका यू के बाद कोलन आ रहा है ना, ये किस लिए होता है? ये थोड़ा सा जो मतलब ऊ खिंचता है, बड़ा ऊ कह लीजिए, उसके लिए आता है। तो ये कई बार सिर्फ ओ के लिए भी आता है, डबल ओ के लिए तो आता ही है, ई डब्ल्यू के लिए भी आता है, यू ई के लिए भी आता है, यू और फिर आगे कहीं ई ओ उसके लिए भी आता है, ओ ई के लिए भी आता है, ओ यू जी एच के लिए भी आता है, यू आई के लिए भी आता है, ओ ई डब्ल्यू के लिए भी आता है, और ओ यू के लिए भी आता है, बड़ा ऊ जिसे हम कहते हैं, बड़ा ऊ वाला साउंड, ठीक। तो हु बड़ा ऊ है ना, हु सिर्फ ओ के लिए बड़ा ऊ आ रहा है, लून डबल ओ के लिए बड़ा ऊ, डी यू तो ई डब्ल्यू के लिए आ रहा है, ठीक है, ब्लू ई यू के लिए आ रहा है, फ्लूट तो यू और आगे चल के ई है इस वजह से आ रहा है, शू ओ ई के लिए आ रहा है, थ्रू ओ यू जी एच के लिए आ रहा है, फ्रूट यू आई के लिए आ रहा है, ठीक है। फिर क्या है, यू आई के लिए हो गया, ओ ई डब्ल्यू के लिए, यहां ओ ई डब्ल्यू होना चाहिए, क्या है यहां पर, एक मिनट, डब्ल्यू नहीं लिखा हुआ है, ओ ई यू, ठीक है, ये डब्ल्यू होना चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मैन्योर तो ओ ई डब्ल्यू के लिए, ग्रुप तो ग्रुप में क्या हो गया, ओ यू के लिए, ठीक। ये सिंपल है, आगे बढ़ते हैं हम। फिर देखिए क्या है, सी और आई, ये किसके लिए होता है? ये भी डिप्थोंग है क्योंकि डबल वॉवल साउंड को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ओए इस साउंड के लिए आता है, ओए, ठीक, तो ओ आई के लिए आता है, ओ वाई के लिए आता है, यू ओ आई के लिए आता है, जैसे जॉइन तो ओ आई, बॉय ओ वाई के लिए, बॉय, ठीक है, तो ऐसे आता है, बॉय बॉय, ठीक। फिर ए और अल्टीमेट मतलब ए और मटका टाइप का साउंड, ये किसके लिए आता है? ये आओ ऐसे साउंड के लिए आता है, आओ, ठीक है। तो आओ साउंड कहां कहां आता है, ओ डब्ल्यू में आता है, ओ यू में आता है, ओ यू जी, जैसे नाउ, शाउट और बाउ, ठीक है, ओ यू जी, बाउ इसको पढ़ते हैं, फॉ नहीं आता, बाउ शाउट नाउ, ठीक, ऐसे। उल्टा ई क्या है, इसको श्वा कहते हैं, क्या कहते हैं, श्वा। तो ये श्वा साउंड जो होता है ये बहुत लाइट सा आ साउंड होता है, मतलब कई बार ऐसा होता है कि इसको छोड़ ही दिया जाता, बोला भी नहीं जाता, मतलब इससे बस स्टार्टिंग की जा सकती है या इसको बोला भी नहीं जाता, एकदम डॉच कर दिया जाता है, इतना हल्का सा आ साउंड होता है, ठीक है। और इसमें ये ए के लिए भी आता है, ई आर के लिए भी आता है, आई के लिए भी आता है, ए आर के लिए भी आता है, ओ यू आर के लिए भी आता है, यू आर के लिए भी आता है, जैसे बाउट, जब आप बाउट बोलेंगे तो आप इतना हल्का करेंगे कि वो कई बार पकड़ में भी ना आए कि बोला भी है, ठीक है, जैसे बाउट। या लैडर, तो लैडर में ये जो हल्का ये जो आ रहा है ना, ई आर के लिए आ रहा है, इतना हल्का आएगा कि पता भी ना चले, लैडर, राइट। फिर इसी तरह से आपने कहा पेंसिल, स और ल के बीच इतना हल्का सा आ बोला कि ये आए समझ में भी आए, ठीक है। तो यहां के लिए शिवा आया, यहां के लिए शिवा, फिर पेंसिल, ठीक। फिर डॉलर, तो डॉलर में ए आर के लिए इतना हल्का सा आया, डॉलर, राइट। फिर ऑन, तो ओ यू आर के लिए एकदम हल्का सा आया, ऑन, राइट। फिर ऑग, ऑग, ऑग हल्का सा आया, राइट। इसी तरह से जब आप बोलते हैं पैट्रियोटिज्म, तो ज और म साउंड के बीच एकदम हल्का सा आता है, पैट्रियोटिज्म, राइट। पैट्रियोटिज्म में नहीं बोलते हैं उसे, ये समझ लीजिए, श्वा साउंड होता है बीच में, ठीक है। फिर है
ए ई बना के ऐसे आर, ये साउंड किस में आता है, मतलब जनरली इसमें आर आता है, रा हल्का सा रहता है, तो ये साउंड होता है ए, ऐसे ए ए, ये भी डिप्थोंग में ही आता है। तो ये साउंड किस में आता है, जब आप ए आई आर का कुछ बोलते हैं या आर ए आर ई का कुछ बोलते हैं या ई ए आर का कुछ बोलते हैं या ई आर ई का, ए आई आर का या ए वाई ई आर का, जैसे चेयर डेयर पेयर, इसको पियर नहीं कहते पेयर कहते हैं, पेयर प्रेयर, ठीक है ना। तो ऐसा साउंड जो आ रहा है वो इस सिंबल से प्रेजेंट किया जाता है। फिर है ए के आगे कोलन, तो ये खींचने वाला आ होता है, बड़ा आ जिसे कहते हैं, ठीक है। और सिंपली ये सिर्फ आ के लिए आता है, इंग्लिश में खींचने के लिए हम डबल ए का यूज नहीं करते हैं। हिंदी के किसी वर्ड को हम लिखते हैं इंग्लिश में तो कर देते हैं, जैसे हमको मान लीजिए लिखना है किसी का नाम, नाम नहीं लिखना है, या मान लीजिए जैसे हम लिखते हैं आज, तो हम डबल ए जे कर देते हैं, पर इंग्लिश में ऐसा नहीं होता, उसमें खींचने वाला भी तो भी सिंगल ही ए यूज होता है ना, जैसे आम या जैसे फादर या जैसे कार, राइट। तो आ बड़ा आ जब आएगा तो ए और कोलन, फिर थ्री कोलन, और ये आर कई बार बना भी होता है कई बार नहीं भी बना होता है, सिंबल में सिर्फ थ्री और कोलन लिखा होता है। तो ये अ साउंड होता है जिसमें अ को थोड़ा ठहराया जाता है, खींचा नहीं जाता, आ नहीं किया जाता, अ ही रहता है, वो छोटा ही आ रहता है, लेकिन उस पर थोड़ा ठहराव रखा जाता है। जैसे ये किसके किसके लिए आता है, ये आता है आई आर के लिए, ई आर के लिए, यू आर के लिए, ईयर के लिए, ई ए आर के लिए, और ओ आर के लिए, और ओ यू आर के लिए, और यू सॉरी वाई आर के लिए। जैसे बर्ड, तो हम बार्ड नहीं कह रहे हैं और ना ही बर्ड कह रहे हैं, सॉरी ना हम बार्ड कह रहे हैं ना ही हम बर्ड कह रहे हैं, हमें कहना क्या है बर्ड। आप ठहर कर फिर अगला साउंड निकालना है बर्ड, तो ये किसके लिए आ रहा है, आई आर के लिए आ रहा है बर्ड। इसमें रा का कोई साउंड नहीं है, रा नहीं आता, बर्ड रा ऐसा नहीं होता, बर्ड राइट, ठहरते हैं। इसी तरह से टर्म, तो ई आर में ठहर है ना, बर्न पर्ल राइट, ई ए आर के लिए आ रहा है, वर्ड ओ आर के लिए आ रहा है वर्ड, फिर जर्नी तो ओ यू आर के लिए आ रहा है जर्नी, फिर क्या है मोस्ट मोटल, ठीक है मोशल, ठीक है। तो ये होता है, फिर सी प्लस कोलन किस लिए आता है, ओ साउंड के लिए आता है, ठीक, जब थोड़ा सा ठहरा जाए उस पर। तो ए डब्ल्यू के लिए भी है, ए के लिए भी है, ओ आर के लिए भी, ओ डबल ओ आर के लिए भी, ओ आर ई के लिए भी, ओ ए आर के लिए भी है, ओ यू आर के लिए भी है, ए यू जी एच के लिए भी, ए आर के लिए भी, ओ यू जी एच के लिए भी, और ए यू के लिए भी। जैसे पॉ ठहर रहे थोड़ा, बॉल ठहर रहे, फॉक, फिर ओ फो बोर्ड, ठीक है फो, तो ओ करके थोड़ा सा ठहर रहे, ठीक, बॉ बॉट सॉस राइट, ऐसे साउंड के लिए। दो और बच्चे देख लीजिए, खत्म करा जाए फिर इस क्लास को। आई और उल्टा ई किस लिए होता है, जब आपको हल्का सा ई ऐसा साउंड देना होता है, ठीक है। तो ये साउंड किसके किसके लिए आता है, ई ए आर लेटर के लिए आता है, डबल ई आर लेटर के लिए आता है, ई आर ई लेटर के लिए आता है, ई आई आर के लिए, ये भी डिप्थोंग है। तो जैसे आपने सिर्फ ईयर बोला तो ई राइट, या आपने कहा गियर राइट, या आपने कहा स्टीयर, या आपने कहा हियर, या आपने कहा टीयर। ट्रेन में देखा होगा कभी कभी लिखा होता है थ्री टीयर, बहुत से लोग उसे थ्री टायर पढ़ते हैं, कहते हैं मेरा थ्री टायर में रिजर्वेशन हुआ है। हम लोग जब छोटे थे तो लोगों के मुंह से सुनते थे थ्री टायर में रिजर्वेशन हुआ, तो हम लोग सोचते थे शायद उस डब्बे में तीन टायर लगा होता होगा राइट, पर एक्चुअली ट्रेन में टायर तो होता नहीं है, तो वो टीयर होता है, दैट्स नॉट टायर राइट, तो टीयर। फिर अब देखिए यहां पर मटका और उल्टा ई, ये किस साउंड को करता है, ये यो यो ऐसे साउंड को करता है, ठीक है। तो जैसे किसके किसके लिए आता है, ये यू आर ई के लिए आता है और ओ यू आर के लिए आता है, जैसे कियो कियो, ठीक है कियो, ट्यूरिस्ट, ठीक है, तो यो साउंड को लाता है। तो आई होप ये क्लियर है, इतने ही आपके फोनेटिक सिंबल्स होते हैं, और ये मैंने अपने कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड पर पढ़ाया,
और मुझे लगता है कि लाइफ में कम से कम एक बार ये पढ़ लेना चाहिए ताकि जब डिक्शनरी देखें तो डिक्शनरी में हम इसे देख के समझ सकें किसी भी वर्ड का साउंड क्या होता है। और मोस्ट ऑफ द डिक्शनरी जो अच्छी होती हैं, जैसे अगर मैं बात करूं ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी की, तो उसमें आप पीछे देखेंगे तो एक पेज पर पूरे फोनेटिक सिंबल्स बने ही होते हैं ताकि आप उसको देख लें वर्ड्स के आगे। तो अगर आप उसको थोड़ा सा आदत मिल जाते तो सारे याद भी हो जाएंगे। ऐसे तो मुश्किल होती है कि हम एक एक सिंबल को याद रख पाए, लेकिन थोड़ा आदत मिल आएंगे, प्रैक्टिकल यूजेस मिल आएंगे, हर एक वर्ड का सिंबल देख के साउंड समझने की कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे आदत हो जाएगी, फिर आपको वो सारे सिंबल्स माइंड में सेट हो जाएंगे, आपके याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है, चलता हूं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।